नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठर। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संयुक्त मोर्चे ने आज जिला मुख्यालय में एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा। बालाघाट जिले में इन कर्मियों के द्वारा की जा रही लगातार हड़ताल से जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर के लगभग सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को काफी परेशानी हो रही है। कल इस संयुक्त मोर्चे द्वारा जिले भर के सभी ब्लॉकों में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा जिला वाला जी, आपके अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर के आज आप जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? क्या जी, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो संविदा अधिकारी कर्मचारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के, उन्हें नियमित किया जाए। हमारे जो रोजगार सहायक साथी है उन्हें नियमित किया जाए। जो नियमित अधिकारी कर्मचारी है उनकी वेतन विसंगति को दूर की जाए, सातवां वेतनमान लागू किया जाए, साथ ही पेंशन योजना को लागू किया जाए और जो 181 जैसे जो सीएम हेल्पलाइन का जो मुद्दा है जिससे हमारे बहुत से अधिकारी कर्मचारी आहत हो रहे हैं, इसके साथ ही साथ मनरेगा में लेबर नियोजन का जो मुद्दा है वो अनावश्यक रूप से लक्ष्य आधारित कर दिया गया है, उसे मांग आधारित किया जाए। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आज के आंदोलन के माध्यम से और प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारियों की ओर से निवेदन है। आपके इन हड़तालों से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें अधिकारी अभी तक सुध नहीं ले पाए हैं, क्या कहना है इस संबंध में? हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं चिंतन चल रहा है भी अधिकारी कर्मचारियों में, गोपनीय रूप से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है और जो जनता जनार्दन परेशान हो रही है तो सरकार इसकी सुध ले। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की हमारी रणनीति है, यदि सरकार इसके बावजूद भी ये इन ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से यदि सार्थक निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग भोपाल से दिल्ली तक इसका आंदोलन का और भी अगला पड़ाव क्रम जारी रखेंगे। ये निरंतर अभी जारी रहेगा जी।